Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with new topic, and today topic is types of linkage. पिछले वीडियो में लिंकेज के बारे में बताया गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज वॉज डिस्क्राइब्ड बाई बेटसन एंड पनेट बाई एक्सपेरिमेंट ऑन लेथायरस ओडोरोटस प्लांट एंड टर्म लिंकेज वॉज गिवन बाई टी एच मॉर्गन बाई एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज, अदर इज इनकम्प्लीट लिंकेज. ओके, कंप्लीट लिंकेज इज वेरी रेयर, इनकम्प्लीट इज कॉमन. ओके, कंप्लीट लिंकेज वेरी रेयर, इट इज कॉमन, नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स. बिटवीन टू जीन्स, between any two genes, किसी भी दो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यही कारण है कि वह कंप्लीट लिंकेज शो करता है. एंड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू जीन्स. ओके, इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज ओनली पैरेंटल टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप्ड, मीन्स नो न्यू रिकॉम्बिनेशन या नो न्यू कॉम्बिनेशन अकर्स. इसमें कोई नया कॉम्बिनेशन, नया कैरेक्टर अपियर नहीं होगा. जैसा पेरेंट्स था ठीक वैसा ही ऑफस्प्रिंग बनेगा. लेकिन यहां न्यू कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. इट मीन्स इन दिस कंडीशन पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप बोथ टाइप्स ऑफ प्रोजेनी डेवलप्स. इन इनकम्प्लीट लिंकेज लिंकेज प्लस क्रॉसिंग ओवर बोथ टेक्स प्लेस, बट इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज लिंकेज इज 100% एंड क्रॉसिंग ओवर इज 0%. मीन्स लिंकेज होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. इसके कंडीशन में लिंकेज भी होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है. देखें, कंप्लीट लिंकेज इज वेरी रेयर बट फाउंड इन ड्रोसोफिला और इन सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म और ड्रोसोफिला में कभी कभी कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है. जैसे क्रॉस है ए रेड आइड नॉर्मल विंग्ड, रेड इज डोमिनेंट, नॉर्मल विंग इज डोमिनेंट, फीमेल इज क्रॉस्ड विथ पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्ड मेल. अगर हम क्रॉस देखें, गैमेट का फॉर्मेशन पीवी पीवी बिकॉज इट इज लिंकेज, केस ऑफ लिंकेज ऑल्सो पीवी पीवी बाय क्रॉस इन F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी, रेड कलर विथ नॉर्मल विंग्ड,
with normal wind. Okay, and if it is done test cross, अगर इसका test cross कराया जाए तो PV crossed with PV recessive parents के साथ. In this condition, two types of gametes PV, only one types of gametes PV, okay? यहां बन जाएगा इधर PV, इधर बनेगा PV. It is purple and vestigial and red and normal. It means in this condition only parental type of progeny developed. Okay, or test cross ka ratio 1:1 as like monohybrid cross. Okay, चलिए आगे देखते हैं. Incomplete dominance. Now see, incomplete linkage. In case of incomplete linkage, parental type and new combination both develops. Parental type and recombinant type, both type of progeny develops in incomplete linkage. Recombinant individual is usually less than the number expected in independent assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो नंबर रिकॉम्बिनेंट टाइप का आया था, जैसे अगर हम देखें डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था वो 9331 नाइन पेरेंटल टाइप एंड वन पेरेंटल टाइप. तो आउट ऑफ 16 10 आर पेरेंटल टाइप एंड 6 आर रिकॉम्बिनेंट टाइप अकॉर्डिंग टू डाइहाइब्रिड क्रॉस. बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज दिस रेशियो वाज 9118. It means out of 16, 7 out of 16, 14 are parental type and only 2 are recombinant. It means the number of recombinant type in incomplete linkage is less than the number expected in independent assortment. Okay, in independent assortment all 4 types during test cross mein 4 tarah ka offspring banta hai jiska number hota hai 1:1. It means all are of 25%. But in case of linkage or incomplete linkage, recombinant type is less than 25% and parental type is more than 25%. तो दो पेरेंटल टाइप को मिला देंगे तो 50% से ज्यादा हो जाएगा, दो रिकॉम्बिनेंट टाइप को मिला देंगे तो 50% से कम होगा. इट मीन्स ऑल पेरेंटल टाइप इज मोर देन 50% and all recombinant type is less than 50%. Okay, now see the cross for incomplete linkage. Red eyed normal wing female is crossed with purple eyed vestigial wing male. In F1 generation all are red and normal as like parental. It is parental type, okay? And by selfing, अगर इसका selfing cross कराया गया, आपस में cross कराया गया, तो ये F2 generation में 16 plant का production होगा, in which red normal 7, red vestigial 1, purple normal 1, purple and vestigial 7, these 7 are
दीज टू आर पैरेंटल टाइप, पैरेंटल टाइप एंड दीज आर रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। इसका एक फिगर एनसीईआरटी में भी दिया है, देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में एक फिगर है, ये एक तरफ दिखाया है क्रॉस, एक क्रॉस इधर है, एक क्रॉस इधर है। यहां देखिए लिखा है पैरेंटल टाइप 98.7%, रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3%। इन सेकंड क्रॉस पैरेंटल टाइप 62.8%, रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2%। इट मीन्स ईच रिकॉम्बिनेंट टाइप इज लेस देन 25% एंड ईच पैरेंटल टाइप इज मोर देन 25%। सो टोटल पैरेंटल टाइप इज मोर देन 50% एंड टोटल रिकॉम्बिनेंट टाइप इज लेस देन 50%। ओके, नाउ सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट लिंकेज। टू लिंक्ड जीन अ स्मॉल ए एंड अ स्मॉल बी शोज 20% रिकॉम्बिनेशन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस प्लस प्लस ऑब्लिक प्लस प्लस क्रॉस विथ अ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज वेरियस गैमेट्स। ओके, दीज आर फोर चॉइस आर गिवेन। अब इसमें से देखना है कौन सा आंसर सही, ध्यान दें। प्लस 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 ऑल्सो एबी एबी क्रॉस विथ एबी एबी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन एफ वन जेनरेशन एबी एबी और एबी एबी और प्लस प्लस एबी प्रोजेनी डेवलप्स एंड इन क्वेश्चन टाइप्स ऑफ गैमेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोजेनी। नाउ दिस प्रोजेनी प्लस प्लस एबी प्रोड्यूस फोर टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। टू आर पैरेंटल टाइप एंड टू आर रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो पैरेंटल टाइप प्लस प्लस एंड एबी, दीज टू आर पैरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप प्लस ए प्लस बी। ओके, प्लस ए प्लस ए प्लस बी दीज टू आर रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। ओके, दिस इज पैरेंटल टाइप, दिस इज ऑल्सो पैरेंटल टाइप। ओके, इन क्वेश्चन ए बी शोज 20% रिकॉम्बिनेशन, मीन्स रिकॉम्बिनेशन टाइप इज 20%, रिकॉम्बिनेशन टाइप इज 20%, 20% रिकॉम्बिनेशन टाइप मीन्स प्लस ए एंड प्लस बी दोनों को मिलाकर के 20%। इसका मतलब प्लस ए इक्वल टू 10%, प्लस बी इक्वल टू ऑल्सो 10%। सो 20% रिकॉम्बिनेंट टाइप, पैरेंटल टाइप कितना, 100-20 इक्वल टू 80%, तो 80% हो जाएगा पैरेंटल टाइप का। तो 40% दिस टाइप एंड 40% दिस टाइप, सो राइट ऑप्शन इज 4। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस, सम आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। ये हमारे लिए कुछ यूजफुल भी है और कुछ हार्मफुल भी है। यूजफुल का मतलब है कि जैसे अगर किसी भी लिविंग्स में डिजायरेबल कैरेक्टर का जीन लिंक्ड है तो वह बिना सेपरेट हुए, बिना सेग्रीगेट हुए जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होते जाएगा। इसका मतलब है कि डिजायरेबल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस रेगुलर होते जाएगा, ये बेनिफिशियल है, यूजफुल है। लेकिन अगर उस लिंक्ड जीन में डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर का भी जीन है तो वह कभी अलग नहीं होगा और जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, जो कि हार्मफुल है। ओके, नाउ सी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू क्रोमोसोम्स और जीनोम। जैसा कि पहले देख चुके हैं लिंकेज ग्रुप का नंबर क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब है इट प्रूव्स दैट जीन्स आर सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम। ओके,
genes are situated present on chromosome, useful for maintaining the good characters in progeny due to linked gene inherited together without separation and maintains the desirable characters in progeny. Reduces the chances of recombination के चांस को कम कर देता है क्योंकि लिंकेज के केस में जीन फ्रीली रिकॉम्बिनेंट नहीं कर पाता है और वह हमेशा साथ साथ जाता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टर इन ग्रुप. अगर एक ही ग्रुप में कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर का जीन हो साथ ही साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर का जीन हो तो वह बिना सेपरेट हुए जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होगा और अनडिजायरेबल कैरेक्टर के जीन के कारण डिजायरेबल का इफेक्ट कम हो जाएगा. सो इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर एंड लास्ट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स टू ब्रीडर्स. अगर कोई ब्रीडर्स डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैरेक्टर के जीन को सेपरेट करना चाहते हैं तो लिंकेज के नेचर के कारण उसे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है. यह ब्रीडर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्स लिंकेज और फिर क्रोमोजोमल मैपिंग के बारे में देखेंगे. ओके, थैंक्स.